बड़ी तेजी से हमारे सारे पाकिस्तान के अंदर हमारा हाउसिंग सेक्टर उठना शुरू होगा और उन लोगों के पास उनको मौका मिलेगा घर बनाने में जो कभी भी सोच नहीं सकते थे कि अपनी तनख्वाहों के अंदर वो कभी भी अपना घर बना सके। आसान काम माजी की हुकूमतें कर चुकी, मुश्किल काम हमारी हुकूमत करेगी। पाकिस्तान के माशी हालात मुश्किल में हैं, घर बनाने के लिए बैंकों को तैयार करेंगे, कानून बदलेंगे। रिनाला खुर्द में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का संग बुनियाद रखने के बाद तकरीब से खिताब में वजीर आजम इमरान खान का कहना था, हुकूमत 5 साल में 50 लाख घर बनाएगी। हमारा ख्वाब है हर पाकिस्तानी के सर पर उसकी अपनी छत हो। मुझे मालूम है कुछ दोस्तों ने बताया कि उन्होंने तफसीलात पूछी हैं अफराद से, उनके मशागल पूछे हैं, उनकी और जिंदगी की जो मसरूफियात है उसके बारे में पूछा। वज़ीर आला पंजाब के लिए इंटरव्यूज के मामले पर समा की खबर की तस्दीक, जहांगीर तरीन वज़ीर आज़म की मदद कर रहे हैं, इमरान खान की मर्जी के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। समा के सवाल पर एजाज चौधरी का जवाब, कहा शाह महमूद और गवर्नर को जहांगीर तरीन से मुतालिक सरेआम बात नहीं करनी चाहिए थी, असद उमर को हटाने में क्या मसलहत थी वज़ीर आज़म ही बता सकते हैं। नए गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन एफबीआर के लिए नामों पर मशावरत शुरू, आईएमएफ में तायुनात, डॉक्टर रजा बाकर गवर्नर स्टेट बैंक के लिए मजबूत उम्मीदवार, माहिर माशियात डॉक्टर अशफाक हसन, वक्कार मसूद और वाजिद राणा के नाम भी जेरे गौर। नया चेयरमैन एफबीआर बोर्ड के अंदर से ही लगाए जाने का इम्कान, नई तैनातियों का ऐलान आज रात या कल तक होगा। दोनों ओहदों पर तब्दीली की वजह क्या बनी, शाह महमूद कुरैशी ने बता दिया। गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन एफबीआर को क्या आईएमएफ के कहने पर ही हटाया गया? जी नहीं, मैं पहले आज कर चुका हूं, उनको उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर हटाया गया। बेल आउट पैकेज के लिए पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुजाकरात का नया दौर, आईएमएफ मिशन से सूबाई और वफाकी नुमाइंदों की मुलाकात। मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं आईएमएफ के साथ मुजाकरात में मौसी अदादो शुमार दिए गए टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने पर बात हुई। करप्शन ने मईशत और इदारों को तबाह किया, करप्शन और तरक्की का सफर एक साथ नहीं चल सकता, खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, वज़ीर आज़म का पंजाब के DGNT करप्शन से मुलाकात। इमरान खान ने साफ साफ कह दिया बदउनवान अनासिर के खिलाफ कार्रवाई को मिशन समझकर पूरा किया जाए, हुकूमत हर मुमकिन तआवुन फराहम करेगी। जाली बैंक अकाउंट केस में नैब का आसिफ जरदारी के खिलाफ जिम्नी रेफरेंस दायर करने का फैसला, 4 वादा माफ गवाहों के बयानात रेफरेंस का हिस्सा होंगे। जॉइंट वेंचर केस में साबिक सदर 11 मई को नैब में तलब, मलिक रियाज के दामाद जैन मलिक को सवालनामा भिजवा दिया, तहरीरी जवाब के लिए 10 रोज की मोहलत, मुआहदे से मुतल्लिक सवालात पूछे गए। मुल्क का सबसे बड़ा टैक्स चोर इमरान खान है, इमरान खान सुन लो हम तुम्हारा भी एहतसाब करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद, बोले इमरान खान का एक वजीर दवाओं के पैसे खाकर भाग गया, 8 माह में 2 गुनी महंगाई हुई, इमरान खान संभल जाओ, अगर हालात यही रहे तो मुल्क में दोबारा आमरियत का खतरा है। NRO मांगे और देने वाले पर लानत भी भेज दी। गवर्नर ने बल्दियाती इदारों के नए कानून पर दस्तखत कर दिए, लोकल गवर्नमेंट बिल 2019 एक्ट बन गया, मौजूदा बल्दियाती इदारे तहलील हो जाएंगे, लोकल बॉडीज के नए इलेक्शन 1 साल में होंगे, जिला और यूनियन काउंसिल का निजाम खत्म, शहरियों में म्यूनसिपल और देहात में विलेज काउंसिल बनेंगी, नए बल्दियाती इदारों की मुद्दत 4 साल होगी। अस्पतालों की निजकारी ना की जाए, पंजाब में यंग डॉक्टर्स एहतजाज पर, तीसरे दिन भी तमाम सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद, मरीजों को मुश्किलात का सामना, डॉक्टर्स का कहना है मुतालबा ना माना गया तो एहतजाज का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। कराची में सिंध भर की नर्सेस का प्रेस क्लब पर 6 रोज से धरना, बिलावल की जानिब से फरियाद न सुनने पर नर्सेस बरहम। हमारे नर्सिस ने बहुत कोशिश की उनसे बात करने की, मगर वो गाड़ी में बैठे और सीधा चले गए, उन्होंने हमारे नर्सिस से बात करना गवार नहीं समझा। 3 घंटे तक उनका वेट करते रहे हैं कि वो आए और हमें मिले, लेकिन उन्होंने ये जहमत गवारा नहीं की कि हम तक आए।
रमजान में भी आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, पेट्रोल मजीद महंगा होगा। इक्तसादी राबता कमेटी के इजलास में पेट्रोल मसनूआत की कीमत बढ़ाने की मंजूरी, 9 रुपए 35 पैसे इजाफे के बाद पेट्रोल की सेंचुरी मुकम्मल हो जाएगी। नई कीमत 108 रुपए 42 पैसे फी लीटर होगी। कीमतों का इतला काबीना की तौसीख से मशहूर। रमजान से पहले नाजायज मुनाफा खोर चील कव्वों की तरह झपट पड़े। फ्लॉर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमतें बढ़ा दी। 10 किलो का थैला 15 रुपए महंगा हो गया। कराची में फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। केले 120 रुपए दर्जन, खरबूजा 100 रुपए और सेब 200 रुपए किलो मिलने लगा। प्याज और टमाटर 60 रुपए, नींबू 400 रुपए फी किलो बिकने लगा। किताब है या उम्र याल की जंबील, सीनियर खिलाड़ियों से ताल्लुकात और इल्जामात, स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की मालूमात, उम्र से मुतल्लिक इंकशाफात, गेंद चबाने के इतराफात, हसीनाओं के मर मिटने के किस्से, आप बीती में मजीद क्या राज छुपे हैं। शाहिद आफरीदी की किताब गेम चेंजर की रूनुमाई आज होगी।